जय भोलेनाथ दोस्तों, आज सैटरडे है, 11 जनवरी, 5:35 हुए इवनिंग के, इवनिंग 5:35 PM, सैटरडे 11 जनवरी। तो आज ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ नॉट फॉर स्टॉक मार्केट ओनली, ओवरऑल बातें करने के लिए कि ये जो साल है 2020, ये कैसा रहेगा स्टॉक मार्केट के लिए भी, भारत की इकोनॉमी के लिए भी, और पॉलिटिकली भी, और क्या क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते। चलिए, मैं जो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है उसके हिसाब से मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, इस साल मुझे बहुत ज़्यादा आशंका है कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होती रहेगी, कि जैसे लोग सड़कों पे आना स्टार्ट हो गए। इस साल की शुरुआत से आप चेक करो कि लोगों को सड़कों पे आना एक आम बात हो गई, इट इज़ लाइक ए केक वॉक। अब देखिए, हर दो दिन बाद आपको एक न्यूज़ आती है कि फलाना यूनिवर्सिटी के बच्चे सड़कों पे आ गए, या इस कंट्री में लोग सड़कों पे आ गए, विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन बहुत ज़्यादा होगा इस साल, आप मान के चलिए, क्योंकि एक जागरूकता भी आ गई है जनता में। आज जनता सिर्फ आपके वादों पे नहीं चलती, जनता को काम चाहिए और जवाब चाहिए। तो अब सरकारों के लिए भी बहुत सारा ये अहम साल रहेगा, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे एनी पार्टी हो, उन सबको जनता जवाब मांगेगी। हर छोटी बात पे अब जवाब मांगा जाएगा। ये साल ऐसा है कि लोग छोटी छोटी बातों पे सड़कों पे आएंगे, इस बात को आप चेक कर लीजिएगा पूरे साल। और दूसरा, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बड़ा आने वाला है ऐसा मुझे लगता है इस साल। तो वो धीरे धीरे परतें खुलेगी, और ऐसा लगता है मुझे कि इस साल और कई बैंक के घोटाले आएंगे, कई NPAs आएंगे, कई लफड़े आएंगे बैंकों के, फ्रॉड और ये सब बहुत सारे खुलेंगे। तो ये साल बहुत एक्शन पैक्ड साल रहने वाला है। और इसके अलावा मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। देखिए, मैं जो मेरे पास नॉलेज है मैं वो शेयर कर रहा हूँ, आप मेरी बातों को बिल्कुल सीरियसली मत लीजिएगा कि होना ही है, जो मुझे लगता है मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ मेरे चैनल के माध्यम से। अभी मैं कभी कोई रॉन्ग एडवाइस भी दे दूँ तो आप सोचो, कुछ लोग तो उसके लिए वीडियो बना देते हैं, है ना। तो उन लोगों के पास कितना टाइम है कि आप मेरा चैनल देखते हो रोज़ और मेरे बारे में वीडियो बनाते हो, उसमें सुर्खियाँ बटोरते हो। अपना कोई अच्छा वीडियो बना के सुर्खियाँ बटोर के दिखाओ। अगर तुम्हारी माँ बाप ने तुमको पैदा किया है तो अकल के साथ तुम्हारी अकल साबित करो पब्लिक के सामने। मैं तो रोज़ साबित करता हूँ, और मेरे तो सब्सक्राइबर रोज़ बढ़ते हैं, रोज़ तारीफें बढ़ती है, रोज़ ये होता है। मेरे को कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, कितने लोगों ने वीडियो बनाया, क्या बनाया, देखिए क्या हुआ, किसका नुकसान हुआ, मेरा हुआ, उन्हीं का हुआ। क्योंकि इंसान आगे तब बढ़ सकता है जब वो परफॉर्म करे, और डर किसको लगेगा जो परफॉर्म नहीं कर पाता है, जो नकली टैलेंट के बदौलत चैनल चला रहा है उनको डर लगेगा। जो टैलेंटेड लोग हैं उनको डरना नहीं चाहिए, उनको तो आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए, ऐसे ही राजनीतिक पार्टी भी उसको डर लगेगा जिसको टैलेंट पे नहीं चल रही, सिर्फ वादों पे चल रही या भाषण पे चल रही, जो काम कर रहा है उसको डरने का नहीं। उसको जनता जवाब नहीं मांगेगी, जनता जवाब उसी से मांगेगी जो काम नहीं कर रहा है। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, हाँ दिल से मैं केजरीवाल जी को बहुत पसंद करता हूँ। मे बी मुझे पर्सनली तो उनसे कोई मुलाकात हुई नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअल में कैसे हैं, लेकिन जो मैं वीडियोज़ देखता हूँ, जो ये मैं देखता हूँ उनके काम, तो वो कम से कम केंद्रित है अपने काम में कि पब्लिक की कुछ ना कुछ भलाई हो। अब बहुत लोग बोलेंगे ये फ्री में देने की आदत, फ्री नहीं दे रहा दोस्त, ये बुनियादी चीज़ें। आज भारत में सुधार तभी होगा जब भारत का एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा। सबसे मेन कारण है एजुकेशन सिस्टम नहीं ठीक है, इसी कारण इतने दंगे फसाद होते हैं, इतनी चोरियाँ होती हैं, इतनी डकैतियाँ होती है, और नौकरियाँ नहीं हैं। ये सारे मुद्दे हमेशा आएंगे साल भर। और अब देखो, अभी दिल्ली के कुछ चुनाव आने वाले हैं,
8 फरवरी को है, तो उसके लिए आप देखो पार्टियाँ कैसा वादा करिए, वो 200 यूनिट दे रहा, हम 600 यूनिट देंगे। क्यों? अगर तुम फ्री का समर्थन नहीं कर रहे हो तो तुम 600 यूनिट क्यों दे रहे हो भाई, है ना? क्योंकि जनता, अब जनता प्रायोरिटी होगी हर साल, आज के बाद जनता इतनी जागरूक होगी। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी अगर आप परफॉर्म करना है तो आपको वीडियो में बोलना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। आपके परफॉर्मेंस से जनता आप पे विश्वास करेगी कि आप में क्या टैलेंट है। आप किसी के खिलाफ वीडियो बना दो और किसी के समर्थन में बना दो, उससे जनता को कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आज बहुत से लोग मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जीत के कौन है? लोकसभा में 323 सीट जीत के वो आए ना, तो अगर लोग खिलाफ थे तो क्यों वोट किए उनके समर्थन में? भाई साहब, देश को एक दृढ़ नेता चाहिए, तो वो है। अभी बहुत सारे मुद्दे ऐसे उछल रहे हैं जिनको मैं बोलना भी नहीं चाहता यूट्यूब चैनल पे, तो ये बिल्कुल देश की उन्नति के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जहाँ कम्युनल बातें होंगी वहाँ देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। देश में अगर ऐसा होता तो आज हमारे जो सुपरस्टार्स हैं वो सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान नहीं होते, वो सारे हिंदू ही होते। ऐसा कोई बात नहीं है इस देश में। तो इन सब बातों को आप हमेशा किनारा करिए कि हिंदू को प्रायोरिटी दी जा रही है मुसलमानों को। सब एक समान है, जो भारत में पैदा हुआ वो भारतीय है, और उसका पहला कर्म है भारत माता की रक्षा करना या भारत देश की बड़ाई करना। तो चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आपको इस देश ने रोटी दी है, इस देश ने काम दिया है, तो ये देश ही आपका सब कुछ है। इस बात को जिस दिन हम समझ जाएंगे और पढ़ाई लिखाई की ओर बढ़ेंगे, तरक्की की ओर, तभी भारत बढ़ पाएगा। ऐसा मेरा मानना है। आप मुझसे डिफर कर सकते हो, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि हर इंडिविजुअल को अपनी सोच रखने का पूरा हक है। और मुझसे बहुत लोग हो सकता है सहमत हो और बहुत लोग नहीं भी हो। वैसे ही मैं स्टॉक मार्केट के बारे में भी अपना जो व्यू होता है वो रखता हूँ। मैं रॉन्ग होऊंगा, राइट होऊंगा, वो तो मार्केट रोज बता देता है। तो किसी ऐसा तो हो नहीं सकता कि 365 दिन में मैं 365 दिन राइट होऊंगा। हो सकता है अगर मैं 200 दिन भी राइट हुआ तो मेरा परसेंटेज अच्छा है। तो 365 दिन तो मार्केट चलता भी नहीं है, 220 दिन के आसपास चलता है। उसमें अगर मैं 160 दिन भी राइट हो गया तो बहुत बड़ा परसेंटेज है। तो वैसे ही अब चलिए, इस साल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो भी पीक बनाना होगा इस जनवरी फरवरी के बीच में पीक बन जाएगा। तो ये साल मेरे हिसाब से, मैं समराइज करूँ तो थोड़ी खुशी, ज़्यादा गम, कभी खुशी कभी गम नहीं, थोड़ी सी खुशी फिर गम ही गम। मतलब ये साल मुझे लगता है दिसंबर तक भी नहीं सुधरेगा मार्केट। जो गिरावट आएगी फरवरी तक जो भी आएगी, उसके बाद मार्केट को सुधरने में नया साल ही आ जाएगा या दिसंबर में स्टार्ट होगा सुधरना। तो इस साल मुझे लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है कि जो इन्वेस्टर है उनको बच के रहना चाहिए। जो अभी टॉप बनेगा जनवरी या फरवरी में, जो भी टॉप बनता है, 13,200 बनो, 13,700 बनो, 12,700 बनो या 14,000 बनो, वो टॉप रहेगा। और हम एक बड़ा लो भी देखेंगे, हो सकता है 10,400 भी देखें, हो सकता है 10,800 भी देखें, और हो सकता है 10,200 भी देखें। तो ऐसा लो बनेगा और पूरे साल गिरावट आएगी। उसको मैं तर्क वितर्क से, मैं थोड़ा मेरी जो नॉलेज है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर वन पॉइंट, 1996 में निफ्टी स्टार्ट हुआ था। आप सबको ये मालूम नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, निफ्टी जो हमारा निफ्टी है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1996 में। उसके पहले निफ्टी नहीं हुआ करता था, उसके पहले सिर्फ सेंसेक्स हुआ करता था बीएससी का। तो 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ तो उसको स्टार्टिंग वैल्यू 1000 से स्टार्ट किया गया, इनिशियल वैल्यू। और 1996 में निफ्टी ने 1203 का हाई बनाया कुछ मार्च तक या जून तक, और उसके बाद वो गिर के उसी साल में 775 का लो बना, यानी कि 35% की फॉल आई। तो मैं बहुत एक वीडियो बनाया हूँ वॉल क्लॉक के बारे में। वॉल क्लॉक में 12 सुई होते हैं, तो मैं 12 साल को एक साइकिल मानता हूँ किसी भी चीज़ के लिए। तो 1996 के बाद 12 साल कंप्लीट होते 2008 में। तो वहाँ 2008 में फिर से जनवरी में निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था 6357, और उसी साल में नवंबर तक निफ्टी जाते जाते 2252 तक आ गया, 64% गिरा पूरे साल में।
अब 2020 में फिर से 12 साल कंप्लीट हो रहे हैं और जनवरी में हम ऑल टाइम टॉप पे हैं ऑलरेडी। अभी लास्ट ट्रेडिंग डेज में हम टॉप ही बनाए 12,311। अब ये टॉप 12,700 बने, 13,200 बने, इसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जो गिरावट आएगी वो सॉलिड आएगी 20 से 22%। तो आप इस समय से सावधान रहिए, फ्यूचर्स में बिल्कुल मत खेलिए, खेलना है कॉल पुट पे खेलिए, ताकि आपको अपना लॉस पहले से पता हो वर्स्ट केस में। और स्पेशली अगर बाई करके भी जाते हो तो फ्यूचर्स को कभी बाई करके मत जाइए, सेल में अगर आपका फ्यूचर है तो कैरी करिए, इतना बड़ा डर नहीं है, लेकिन बाई में अगर आपका फ्यूचर है तो डेफिनेटली उसको शाम को काट के जाइए, उसकी जगह आप कॉल ऑप्शन ले लीजिए अगर आपको लेना ही है। और इन द मनी ले लो यार, इन द मनी कॉल ऑप्शन ले लो। सपोज 12,300 निफ्टी चल रहा है, तुमको 14,000 लग रहा है या 13,000 लग रहा है, तो 12,200 का कॉल ले लो तो 250 रुपये में मिल जाएगा तुमको, तो 250 की तो तुम्हारी लॉस हो सकता है, लेकिन अगर अगर एक कोई 8-9% का एक ही दिन का फॉल आ जाए तब क्या कर लोगे, तब फ्यूचर्स में तो मारे जाओगे। तो सेफ खेलो सबसे बढ़िया इस समय। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तेज़ी नहीं है, तेज़ी रहेगी, लेकिन सेफ्टी होना जरूरी। अब दूसरा आ जाए न्यूमरोलॉजिकली। न्यूमरोलॉजिकली इस साल ये मैंने बताया 2020 में एक फॉल तो आनी आनी है और बड़ी वाली आनी, क्योंकि 12 साल का साइकिल 2008 के बाद अभी कंप्लीट हो रहा है। अब पॉइंट नंबर टू कि इस साल न्यूमरोलॉजिकली 2020 यानी कि 2020 साल है, तो इसका अगर टोटल करें न्यूमरोलॉजिकली 4 होता है। 4 का नंबर राहु होता है, राहु का नंबर होता है, तो आप चेक कर लो। राहु का नंबर हमेशा अनिश्चितताओं का साल होता है। इस साल बहुत सारे, मुझे ऐसा लगता है, दंगे वगैरह भी होंगे और हो सकता है वार भी बड़ा हो, छोटी छोटी बातों पे वार होने की चांसेस है, ऐसा लगता है मुझे। और पूरा साल एक्शन पैक्ड रहेगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, और बहुत सारे घोटाले सामने आएंगे और बहुत सारी ड्रास्टिक चेंजेस आएगी, क्योंकि राहु ड्रास्टिक चेंजेस के लिए जाना जाता है। तो जैसा अभी जनवरी में दिख रहा हरा हरा निफ्टी, तो हरा हरा है नहीं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारी परतें खुलेगी धीरे धीरे और मार्केट उतना ही करेक्ट भी करेगा। तो 2020 में बोलता हूँ साल बहुत बुरा रहेगा स्टॉक मार्केट के लिए, भले ही हम जनवरी फरवरी में बहुत खुश हो जाएं, मैक्सिमम फरवरी तक, उसके बाद दुख ही दुख है ऐसा मेरा मानना है, और मार्केट अच्छी गिरावट ले, उसका मैं कुछ कारण आपको समझाता हूँ। 2020 यानी कि 2+2=4, तो इसके पहले 2-4 का अंक कब आया था, 2011 में, आपको याद होगा, क्योंकि 2011 को भी आप जोड़ो 2+1+1=4। अब हम आ जाते 2011 में क्या हुआ, 2011 ये देखिए, जनवरी 2011 निफ्टी का टॉप क्या था, 6181, आप लोग नोट करिएगा 6181 जनवरी 2011 में टॉप था, और उस समय लगभग ये ऑल टाइम हाई पे ही था, ठीक है। वहाँ से दिसंबर आते आते कहाँ तक पहुँच गया देखिए, ये दिसंबर 2011 4531 पहुँच गया, कितना पहुँच गया, 6181 से टॉप से जो बॉटम आया दिसंबर तक, और देखिए कंटिन्यू नीचे ही आया। ओवरऑल ग्राफ आप इस ग्राफ को देखिए, 2011 के ग्राफ को, तो ये कहीं पे भी अपसाइड जाने का साइन नहीं दिया, ये पूरा 2011 का साल है, देखा आपने। तो इसमें भी राहु का अंक था 4, और 2011 में एक घटना भी हुई थी आपको याद होगा, मुंबई वाली हुई थी या ट्रेड सेंटर वाली हुई थी, कुछ तो हुआ था, तो जो भी हो आप चेक कर लीजिएगा। अब आज इसके पहले अगर हम और देखें तो 2002 में फिर राहु का अंक आया 4, 2002, तो हम सीधा 2002 पे चलते हैं। ये जनवरी है, जनवरी में निफ्टी हुआ करता था 1121, 1121, और फरवरी में इसने टॉप बनाया था 1205 का, कितना, तो मैंने बोला जनवरी और फरवरी दो महीने आप मान सकते हो, बुल्स थोड़ा बहुत कुछ कर सकते, तो 1206 का टॉप बना फरवरी में, और उसके बाद आप देखो दिसंबर तक कहाँ पहुँचे,
1202 से लेके आप अगर लो बनाओगे तो ये अगस्त तक 935 आ गया था, 1202 का टॉप था 935। अगर आप इसको परसेंटेज में गिनोगे, 1202 का 30% में गिनूँ, 1202 इंटू 20%, बीस परसेंट से ज़्यादा फॉल आई पूरे साल में, 20% से ज़्यादा। तो आपने देखा 2002 यहाँ 4 का अंक था, और 2011 वहाँ 4 का अंक था, साल की टोटल बता रहा हूँ, और अभी 2020 यहाँ पे भी 4 का अंक है। तो सावधान हो जाइए, फरवरी तक ही जो तेज़ी होगी होगी, जो भी होगी, जो भी टॉप बनेगा फरवरी तक बनेगा। मैं टॉप के बारे में नहीं चर्चा करूँ, मेरा टॉप तो 13,000 के ऊपर लग रहा है, लेकिन फिर भी सावधानी वाले फिगर्स हैं। और अब आ जाइए एक और एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट की बात कर रहा हूँ, कि सूर्य जो है, सन सन हर एक राशि को एक महीने में चेंज करता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो चलती है वो सन साइन पे चलती है, और हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी चलती है वो मून साइन पे चलती है। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में आप जोडियक साइन के बारे में बात करते हो, कि आप अगर अक्टूबर में बॉर्न हुए तो आप लिब्रा हो, आप इस महीने में बॉर्न हुए तो आप सेजिटेरियस हो, वैसे बात होती है ना महीने वाले, क्योंकि सन का एक पीरियड फिक्स होता है, एक महीना में वो एक राशि में रहता है। तो अभी सन जो है सेजिटेरियस में चल रहा है, और ये 16 तारीख को या 15 तारीख की सुबह ही शायद मेरे ख्याल में चेंज हो जाएगा, इट विल ट्रांजिट इन टू कैप्रिकॉन फ्रॉम सेजिटेरियस, मतलब 9 नंबर की राशि से ये 10 नंबर की राशि में चला जाएगा कैप्रिकॉन में। सेजिटेरियस मतलब धनु हिंदी में, और कैप्रिकॉन मतलब मकर राशि, जो शनि की राशि है। और सूर्य और शनि पिता पुत्र आपको पता ही है, तो पिता कभी भी पुत्र के घर में रहे तो पिता के लिए सम्मान की बात नहीं होती, पुत्र पिता के घर में रहे वो पिता के लिए हमेशा सम्मान की बात होती है। पिता पुत्र के घर में जाते ही कमज़ोर होते, तो सूर्य अगर कमज़ोर हो जाता है, यानी कि मकर राशि में सूर्य ट्रांजिट होगा कब, 15 तारीख को सुबह या 16 तारीख को, मुझे कंफ्यूज है 15 या 16 के बीच में जनवरी को, तो उस समय क्या होगा, सन की पावर ख़त्म हो जाती है, बहुत सारी रिड्यूस हो जाती है जब सन शनि की राशि में चला जाता है, क्योंकि मकर राशि है वो शनि की राशि है कैप्रिकॉन, द लॉर्ड ऑफ कैप्रिकॉन इज सैटर्न और शनि। तो जब पिता पुत्र के घर पे चला जाता, आप खुद सोचो, अपने आप को पिता समझो, और आप पुत्र के मकान में रह रहे हो तो आपको कैसा फील होगा, उस मकान अगर आपका बनाया हुआ है उसमें अगर आपका पुत्र रहता है तो आप बहुत कंफर्टेबल रहते हो। तो सन जो है हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, तो आत्माशक्ति कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी, है ना। और सन सन से ही हम लोग निफ्टी को भी देखते हैं, तो निफ्टी कहीं ना कहीं कमजोरी की तरफ 15 या 16 तारीख से बढ़ जाएगा, कमजोरी की तरफ झुकाव आ जाएगा इसका, ऐसा मेरा एस्ट्रोलॉजिकली मानना है, ठीक है, बट नो कन्फर्मेशन, नो कंक्लूजन कि ऐसा ही होगा, ठीक है। तो सूर्य जब भी चला जाएगा, अब सूर्य वहाँ रहेगा, अब शनि भी जो अभी वो भी ऑलरेडी सेजिटेरियस में ही चल रहा है, गुरु की राशि में। सेजिटेरियस किसकी राशि है, गुरु की। अभी सूर्य भी वहीं है, शनि भी वहीं है, लेकिन सेजिटेरियस जो है वो सूर्य की फ्रेंड की राशि है, यानी कि बृहस्पति की राशि है गुरु की, लेकिन शनि के साथ वो सम रिलेशन, नॉट दुश्मन नॉट दोस्त। लेकिन अब शनि खुद अपनी राशि में आ जाएगा 24 तारीख को, 24 जनवरी को शनि खुद भी कैप्रिकॉन में आ जाएगा, तो उस समय उस घर का मालिक यानी कि पुत्र भी उस उधर आ जाएगा। तो जब शनि और सूर्य एक राशि में रहेगा तो वहाँ से एक बड़ी गिरावट का भी चांस है 23 तारीख से, और बड़ी उछाल का भी चांस है, क्योंकि कोई पुत्र ऐसा भी होता है जो अपने घर में पिता को बहुत सेवा करता है। तो शनि जब अपनी राशि में रहता है तो शनि फल ज़्यादातर अच्छा ही देता है, तो 23 तारीख से एक तेज़ी आ सकती है मार्केट में, और मुझे लगता है 15 से लेकर 23 तारीख तक एक गिरावट रहेगी मार्केट, 15 या 16 तारीख से, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं मकर राशि में जाने के बाद वीक हो जाता है, तो निफ्टी में एक गिरावट रहेगी 15 से 23 या 16 से 23। और 23 या 24 तारीख को जब शनि खुद की राशि में आ जाएगा तब कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि द लॉर्ड ऑफ कैप्रिकॉन विल बी इन कैप्रिकॉन, और शनि का एक काम है जहाँ बैठता उस घर की वो बढ़ोतरी करता है,
और जहां नजर डालता है वहां की बर्बादी करता है। शनि की दृष्टि से लोग डरते हैं। शनि कहां कहां देख सकता है? अपने से तीसरी, अपने से सातवां और अपने से दसवां। उसको तीन दृष्टि दी गई है एस्ट्रोलॉजी में, अपने से तीसरी, अपने से सातवीं और अपने से दसवीं। तो अपने से तीसरी, तीसरी कहां जाएगी? 10, 11, 12, यानी कि वो कहीं ना कहीं मीन राशि को देखेगा शनि जब वो कैप्रिकॉन में आ जाएगा। तो मीन राशि वाले को लिए थोड़ा सा खराब रहेगा समय 24 तारीख के बाद। और कहाँ देखेगा फिर? अपने से सातवीं, मतलब 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। कर्क राशि वालों के लिए भी 24 तारीख के बाद समय थोड़ा सा खराब रहेगा। मीन कर्क दो और बता दिया मैंने, और अपने से दसवीं, तो तुला राशि वाले के लिए भी थोड़ा सा समय खराब रहेगा। कब? 24 तारीख के बाद, 24 जनवरी के बाद। और ये पूरा साल जो है, अगर न्यूमरोलॉजिकली जिसका नंबर वन है, जिसके डेट ऑफ बर्थ वन, डेट ऑफ बर्थ का टोटल वन होता है, वो इस पूरे साल उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ की टोटल, सपोज आप 1 तारीख को जन्मे तो आपकी टोटल वन हो गई, आप 10 तारीख को जन्मे तो भी आपकी टोटल वन हो गई, और अगर आप 19 तारीख को जन्मे तो भी आपकी टोटल वन हो गई, और आप 28 तारीख को जन्मे तो भी आपकी टोटल वन होती है। तो इन इन तारीख को जो भी जन्मे उनके लिए साल बहुत अच्छा रहना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो जिनकी बर्थ की टोटल चार भी है, चार, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। जिनकी बर्थ डेट की टोटल 1 या 4 है, इन दोनों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ये भी मैं बोलता हूँ। और बाकी लोग थोड़ा सा सावधान रहिएगा। तो ये मेरा व्यू है, और आज टोटल मैंने आउट ऑफ द बॉक्स बातें की, नो टेक्निकल्स, सारी बात मैंने अपनी रिसर्च और नॉलेज की बातें की है। तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है इसीलिए मैं यहाँ बांट रहा हूँ। मैं राइट होऊंगा, रॉन्ग होऊंगा, वो सब भोलेनाथ जानता है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं बोलता स्टॉक मार्केट में आप पैसा अंधाधुन लगाओ। स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग क्यों हारते हैं, आज मैं उसके बारे में भी चर्चा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाते हैं कि यार ये बढ़ेगा ही या गिरेगा ही। और मार्केट, मैं बोलता हूँ, हमारी लड़ाई कभी भी इंसान से नहीं हो रही, हमारी लड़ाई एक मशीन से हो रही है। मशीन के पास कोई सेंटीमेंट नहीं होता है। आप कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उससे कभी लड़ नहीं सकते हो। उसको नीचे जाना, वो नीचे ही जाएगा। आपके सेंटीमेंट उसको समझ में नहीं आते कि प्रमोद जैन दुखी हो रहा है या आप दुखी हो रहे हो गिरने के कारण। तो गिरना और गिरेगा, उसको बढ़ना तो बढ़ेगा। आप शॉर्ट मार के बैठे और वो बढ़ते जा रहा है, जैसे गोल्ड बढ़ते ही जा रहा था, लोग शॉर्ट पे शॉर्ट मारे जा रहे थे, तो उनको सेंटीमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो आप वहाँ पे एक ही चीज़ खेलो कि आपका पैसा कैसे सेफ रहे। तो पैसा आपका सेफ तभी रह सकता है जब आप दोनों तरफ की नाव में बैठो, यानी कि आप कॉल और पुट दोनों लो, तो आपका लॉस कभी भी होगा बहुत कम होगा, और प्रॉफिट हमेशा 90% 100 में से 90 बार आपको प्रॉफिट होगा। और आप ज़्यादातर आज तक आप लोगों ने क्या किया, अकेला कॉल लिया या अकेला पुट लिया। आप बोलते निफ्टी तेज होगा, सबके सवाल मेरे पास एक ही रहते, सर निफ्टी बढ़ेगा या घटेगा कल, बैंक निफ्टी कल बढ़ेगा या घटेगा। कोई ये नहीं बोलता सर कि कल घटे या बढ़े, मुझे खाली एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए जिसमें मुझे पैसा आए। तो ये अगर सीखना, आप मेरी ट्रेनिंग में आ सकते हो, मैं सिखाऊंगा, उसके कुछ टेक्निक्स भी सिखाऊंगा जो मैंने खुद निकाले हैं, आज तक मैंने किसी किताब से नहीं निकाले। तो यही मेरा कहना है दोस्तों, यही कारण होता है कि हम एडमेंट हो जाते हैं हमारी कोई भी कॉल पे या पुट पे। अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो आप एडमेंट हुए भी अच्छे लगते हो, लेकिन किसी की सुन के अगर आप एडमेंट हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आप पैसा अपना आग में झोंक रहे हो, ऐसा मेरा मानना। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और जो भी मैं बोला हूँ उसको दिल पे मत लीजिएगा, किसी का बुराई करने की मेरी इच्छा नहीं है। जो मेरे खिलाफ वीडियो भी बनाते हैं, मैं दिल से उनको दुआ देता हूँ, क्योंकि भाई जीत तेरी तभी होगी जब तू खुद परफॉर्म करके जनता का दिल जीतेगा। तो प्रमोद जैन रोज़ कोशिश करता है कि जनता का दिल अपने परफॉर्मेंस से जीते। मेरे बहुत सारे विरोधी भी है, मुझे पता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं उनसे। मैं जो भी मेरे दर पे आएगा मैं उससे प्यार करूँगा ही करूँगा। आपने मुझे गालियाँ भी दी होगी तो आई विल ऑलवेज लव यू, आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू, दिस इज़ माई प्रोमिस। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।